अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मदन के वैसे कल भी उसने पोस्ट करी है, मैंने दोनों हाथ में वो तो देख लिया रुपये लेके ये सारा लड़कियों ने प्रोवाइड कराए थे। कोई वर्ग विशेष कोई आदमी हो वो खुद ही बताएगा कि किसके कहने पे क्या पहुंचे। क्या मांग लेके पहुंचे आज? आज हमारे यादव समाज के अभिषेक यादव पर कुछ असामाजिक तत्वों ने बस स्टैंड पर हमला किया था, जिसमें वो बुरी तरह घायल हुआ है। हमने आज पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उसमें मूल जिसने इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो वास्तविक व्यक्ति अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इन सारे जो अपराधी पकड़ाए हैं इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी को सुपारी देकर उस पर हमला करवा सके। मेन जो आरोपी है जो साजिश करता है वो अरेस्ट हो, इस हेतु हमने माननीय एसपी साहब से भी मांग की है, ज्ञापन दिया, उनको बताया है कि जो अपराधी पकड़े उन पर थोड़ी सख्ती करते हुए मूल जो अपराधी जिसने सारी घटनाक्रम को अंजाम देने की साजिश रची है उसको पकड़ने के लिए हमने एसपी साहब को निवेदन किया। भैया जो आरोपी उसका सोशल मीडिया पे फोटो भी दिख रहा है अभी? नहीं, वो भी एक लड़का है जो सोशल मीडिया पे वो तो आरोपी बन चुका है, लेकिन उसकी भी स्थिति ऐसी नहीं कि किसी का 30,000 रुपये 40,000 रुपये दे के सुपारी दे के हमला करवा सके। उसके पीछे भी कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति है, उस मूल आदमी को गिरफ्तार करने की मांग हमने की। क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, जांच करके उस मूल व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। आज किस प्रकरण में आज आप यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए एसपी ऑफिस में आए इकट्ठा हुए? आज हमारे यादव समाज का बालक अभिषेक यादव, जिसको असामाजिक तत्वों ने चाकू से बस स्टैंड पर चाकू मारे थे, इस हेतु आज पूरा यादव समाज और समस्त सहयोगी और हमारे सहभागी लोग सभी यहाँ की जगह ज्ञापन देना है एसपी साहब को कि जो गिरफ्तार नहीं हुए, इन व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि वो 8 जने थे, 3-4 व्यक्ति और भी बचे हुए हैं, जो एसपी साहब से हम निवेदन करने आए थे कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्या आगे कोई इसी प्रकार का कोई कृत्य ना हो, क्योंकि ये सीधे सीधे रुपये पैसे देकर सुपारी दी गई थी, बालक को चाकू मार के घायल हुआ, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाती, तो ऐसी दुर्घटना फिर ना हो इसके लिए हम एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन का हमको शुरू से सहयोग रहा है और आज भी उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि आज या कल के अंदर इन जो बचे हुए अपराधी हैं उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। अपना परिचय? अर्जुन यादव, गुरु पार्षद यादव सिंह। एक बार वापस।